हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर बाजू। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर 3 इंच का ही इसकी चौड़ाई ली है और जो इसकी लंबाई ली है कपड़े की वो हमने 35 इंच ली है। ठीक है, तो ये हमने सलवार की मैच का कपड़ा लिया है। और यहाँ पर दूसरी जो पट्टी हमने ली है इसकी जो लंबाई है यहाँ पर 20 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई ली है वो हमने 4 इंच ली है। और यहाँ पर ये हमने बाजू के लिए कपड़ा लिया है 4 लेयर में। ठीक है, ये खुले की साइड है तो बंद की साइड से हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर लंबाई का नाप रखा है हमने 12 इंच और यहाँ से जो चौड़ाई है यहाँ पर हमारा 9 इंच कपड़ा है। ठीक है, जितना भी आप आर्म होल्स कट करें उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लें। तो खुले की साइड से हमें 3 इंच पर मार्क डालना है। ठीक है, तो 1 इंच हमें इस तरीके से लेना है और इसमें बाजू की शेप डालनी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी शेप डाल ली है और यहाँ से अपना बॉटम नाप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉटम है हमारा 5.5 और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया तो 7 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्स्ट्रा मार्क है, ये हमारी फिटिंग का है। तो ये फिटिंग की सिलाई आएगी, ये एक्स्ट्रा होगा, यहाँ से कट होगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई और देंगे फ्रंट पीस के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमने 1/2 इंच की गहराई दे ली है फ्रंट पीस के लिए। जिस तरीके से हमने मार्क डाला है उसी तरीके से इसे कट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कट कर लिया, इसके ऊपर वाले 2 पीस को उठाना है। ध्यान रहे तीसरा पीस ना उठ जाए। ठीक है, तो जो फ्रंट पीस की तरफ गहराई आएगी सिर्फ 2 पीस में ही कट करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कट कर लिया है और इस पट्टी को भी हमने जॉइंट थी तो अलग कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए जो हमने 3 इंच की चौड़ी पट्टी ली है इसको डबल लेयर करके रखा है इसके ऊपर और इसमें छोटी छोटी प्लेटें लगानी है। तो इसमें इसी तरीके से पूरे में हमें छोटी छोटी प्लेटें लगानी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो इसी तरीके से पूरे में ये प्लेटें लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी प्लेटें लगा ली हैं और जिस तरीके से हम ये वाली बाजू बना रहे हैं सेम तरीके से हमें दूसरी वाली को भी बनाना है। तो इस तरीके से पलट के इसके ऊपर सिलाई लगानी है जिससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई हमने लगा ली है, अब हमें बाजू को रखना है। तो हमने सीधा रखा है बाजू को और इसके ऊपर अब ये फ्रिल को रखना है। तो इसमें भी हमें छोटी छोटी प्लेटें लेनी है। तो 1/2 इंच चौड़ी इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्लेटें लगा के कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। तो यहां पर देखिए इसमें हमने पूरे में प्लेटें लगा ली हैं और इसको भी इसी तरीके से खोल के रखना है और अच्छे से दबाने वाली सिलाई लगानी है। तो इसके ऊपर हमने दबाने वाली सिलाई लगा ली है, अब इसकी फिटिंग करनी है। इस तरीके से सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए और इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने सिलाई लगा ली है और इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। ये बनके पूरी कंप्लीट है और जिस तरीके से इसको हमने बनाया है सेम तरीके से हमने दूसरी वाली बाजू को भी बना लिया है।
तो ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।